एक घंच जंगल रे गोटे अलसुआ काऊ रहुथिला। से घर र किछि कथा बुझु नथिला। ता स्त्री रानी चढ़े मानक घरे छोट मोट काम करी घर चलुथिला। एही परि गोटे दिन आरे कांदी कांदी मो पाख को आसिलु जे किए तते मारिछि कि? हाँ मा, बापा मारी जंती। तू तो कही थिलु भोक लागिले बापा को खाइबा मागिबो। मु जेते बेले बापा को पाख को जाई खाइबा मागिले नीत भांगी देलु कही से मते जोरे का चापुड़ा मारिले। बुझी गली तो बापा केबे भी सुधरिबेनी। किछि काम न करी सब बेले खाली सोई रहिबे। केबे से अलुसामी गुण छाड़िबे के जानी? रह मु एबे तो बापा कथा बुझुची। एमिती रागी रागी रानी काओ किछि पानी नै ता स्वामी उपरे ढाली देला। ए ए किए मो उपरे पानी ढालिला? अरे तू एते सुंदर नींद को तू भांगी देलु। किछि काम न करी दिन राति से पिछुआ रे पड़ी पड़ी सोई थाओ। छुआटा को काहे कि मारि लकु हो? से माड़ खाई छे निजो भूल पाई। मु सोइला बेले से मते आसी बारंबार उठै खाइबा मागुची। मते जे विरक्त करे मो ताको सेमिति मारे। छी तमको टिके लाज लगुनी? छुआटा खाइबा मागिला बोली तुम्हे ताको मारिबो। तुम्हे पर तार बापा से बे बड़ हेलाणी। दिन सारा एमिति न सोई किछि काम कर। बेसी किछि न हेले भी निज छुआ पई खाइबा तो जोगाड़ कर। तो भी तो तामा तू जाउनु तापई खाइबा आनिबु। चाली आसिला मते विरक्त करिया पई। जा चाली जाय ठु मो आउथरे सोइबी। स्वामी रो कथा सुनी रानी काउ अनेक कष्ट पाइला। किछि भी काम न करी से काउ एमिति ही सोई सोई निज दिन काटुथिला। मा भारी भोक लागिलाणी किछि खाइबा को दे ना। काली पाखरु मु किछि भी खाइनी। घरे तो दाना टी भी नहीं खाइबा को। हेले तो बापा रो तो चिंता ही नहीं। मु तो पई खाइबा कोठ पाणी भी रह। मु देख के कहा पाखरी खाइबा मिलुछि कि नहीं। तापरे रानी काउ पाख पड़ोसी को घर को गला। चढ़े भौणी तुम घरे जदि किछि बड़का खाइबा थाए मते देई थाओ। मो छुआ काली पाखरु किछि भी खाइनी। ताको देबा पई घरे दाना टी भी नहीं। रानी तो अलसुआ स्वामी काम न करी घरे सोई रहिबो। आउ तू दिने दुई दिन परे परे आसी मते खाइबा मागुथा। आज मो घरे खाइबा नहीं तो जा एठु। भौणी आज शेष थर पई मते खाइबा देई थाओ। मो कथा देउची आउ तुम पाख को खाइबा नै पई आसिबिनी। तो ताहले एमिति जीवनी रह। काली रातिर दुईटी रुटी अच्छी मो पाखरे तु से रुटी नहीं जा। चढ़ी दुईटी पासी रुटी आनी काऊ को देला। रानी काऊ से सबू धरी घर को गला। एमिति किछि दिन बीती गला। दिने अरे सुणुच बर्षा दिन आसिलाणी आम घर अनेक जगह फांगी जाइछि। शीघ्र घर मरामती नकली केते बेले जे घर फांगी जीव किए जाने। किछि गोटे कर नहले आमे रहिबा कोठी। मो केमिति एक कथा कहि परिबी? मो पाखरे टंका नाही। तते जहा ठीक लागुचि तू कर। मते विरक्त करनी। हाँ हाँ मो तो एका रहिबी ना से घरे। घर भांगिले तमरो कोन जाय आसे? तम भली अलसुवा स्वामी को बाहा हे मो बहुत बड़ भूल करि देली। एबे जहा करबा कथा मते ही करबा को पड़िबो। मा तू एकटिया कोन करिबो? मो जंगल रु काठ आनी घर तेरी करबी रे धन। काली सकाळे शीघ्र उठि मो जंगल को जिबि। राति बहुत हेलाणी चल एबे तो सोइबू। परदिन सकाळे कुराड़ी धरी रानी काउ जंगल भीतर को गला। रास्तारे एक चढ़ई सहतार देखा हेला। किरे रानी एते सकाळु ए कुराड़ी धरी तो कुआड़े जाउचो? चढ़ई भौणी तुम्हें तो जानिच आम घर केते भंगा। बर्षा हेबा आगरु मु घर मरामती करबा को चाहुची। सेथिपई जंगल को जाउची काठ आनिबा पई। कौन कहिलु रानी? तू गोटे छिय पक्षी हे गच्छ काटी काठ आनिबु आउ घर तैयारी करिबु। सतरे तो कथा सुनी भारी हस लागुची। झिय बोली कौन मु काठ काटी पारिबिनी। मु निश्चय पारिबि एबे मु जाउची चढ़ी भौणी। तापरि काउ काठ आनिबा पई जंगल भीतर को गला। आउ एक शक्त गच्छ देखि ताको काटिला। ओह काठ काटिबा केते कष्ट। ना ना मु अटकिबिनी शीघ्र काठ काटी घर को जाए। रानी काउ अति कष्टरे काठ काटी घर को आसिला। आउ देखिला ता स्वामी सेमिति बिछणारे पड़ी पड़ी सोई रहिछि। बा ए जाय बिछणारे उठिन। भाभीथिले आज तुम्हे काम को जीव किंतु ना तुम्हे केबे भी बतळिबनी। हे भगवान ए केमितिका अलसुआ स्वामी मो भाग्य रे लिखिछ।
रानी तो भाषण फुणी आरंभ होगला। तू तो जानिचु मते काम करने को भल लगे तथापि कहीं मो पाखक आसी मो मुंड खाऊ। अच्छा हो किसी कम नक ना मो काठ नहीं आसी घर तैयारी करी पारी मते टिके सहाय्य कर। कौन कहिलु मु घर तैयारी करी एते कष्ट काम मु करी पारिबिनी घरे रहिले तू मते विरक्त करिबु मु जाउची गछ तळे सोइबि। रानी गाउ कुआडे गलु शीघ्र बाहर को आसे। मालिकाणी तुम्हें एठी आज मु काम को कोन पे जाईनी पचारिबा को आसी छ ना। हाँ मु सेई कथा पचारिबा को आसी छी गोड़ तळे पड़ी केते नेहुरा हेलु बोली मु तते मो घर काम करबा को रखी थिली आज तो जाइनु बोली घरे ए जाए गोटे भी काम आरंभ हैनी। मोर फूल हेकला मालिकाणी मते क्षमा कर दियो सकाळ मुए काठो आनिबा पई जंगल भितर को जाईथिली फेरु फेरु टिके डेरी हेगला हेले तुम्हें चिंता करनी मु एबे ही तुम घर को जाई सब काम कर देबी। अच्छा अच्छा ठीक अच्छे भोलीबुनी शीघ्र घर को आसिबो। एमिती कही से चढ़े सेठारु चलीगला। काठ काटी रानी गाउ बहुत थकी जाइथिला थका मेटेबापी किसी समय से बस रहा। माँ तू एबे तो काठ काटी घर को आसिलु पुणी एबे घर काम करबा को जिबो एते परिश्रम कले तो देह खराब हो जिबो। माँ काम करबा छड़ा मो पाखरे आउ किछि भी रास्ता नहीं रे धन तू तो जानु तो बापा केते ओलसुआ मो काम नकले आमे केमिति खाइबा कहिलु। माँ तू आउ कांदनी मो बड़ हेले ना भल चाकरी करिबी आउ तोर सब दुख दूर करिदेबी कहा घरे भी तू आउ काम करिबुनी। मो सुना धन तो कथा रे ही मोर सब दुख दूर होइगला। किछि दिन बीती गला रानिका ओ चढ़ेका घरे काम करबा सह काठरी घर भी तैयारी करूला ता स्वामी एसबू देखि साहाज्य करिबा बदल रे ओलटा ता स्त्रीर मजा उड़ाला। रानी तू तैयारी करुचु घर से घरे कौन रही हेब भल कर तो घर को एक दौड़ी रे गच्छ सह बांधि दे पवन रे नहले तो घर उड़ीजिब। शुण जदि क्या को साहाज्य करिबनी तार मजा उड़ेबनी मु निश्चय घर तैयारी करि पारिबि मु तम भली अलसुआ नुह। कहा कथा को भी ध्यान न दे काउ त घर तैयारी करिबारे मन देला। किछि दिन परे से एक सुंदर मजबूत घर तैयारी करि देला। बर्षा दिन भी चली आसिला अलसुआ काउ तार से पुरुणा भंगा घरे सोइथिला जोरे पवन बहिबा जोगु से घर भांगी गला। काउ बर्षा रे भिजि भिजि नुआ घर को गला हेले तार स्त्री कबाट खोलिलानी। अरे रानी तू कबाट काहे की बंद करिचु कबाट खोलो मु भीतर को जीवि बर्षारे भिजि भिजि थंडा लगिलानी। ना मु कबाट खोलिबिनी घर तैयारीबा समय रे भारी हसुथिलो ना एबे बर्षारे भिजिले जानिबो तार कष्ट किमिति। मोर भूल हेगला रानी एई थरक मते क्षमा करिदे कबाट खोलो मु भीतर को जीवि। ठीक सही समय रे पाख गछरु एक डाळ खसी काउ उपरे पड़िला। काउ दिन राति सोइबा जोगु ता देहरे बेसी शक्ति नथिला से गच्छ भितरु बाहरी पारिलानी। घर भितरु एसब दृश्य देखि रानी काउ शीघ्र बाहर को आसिला से तार स्वामी को घर भितर को नहीं चिकित्सा कला। किछि दिन परे काउ सुस्थ होइगला सेते बेले से निज भूल भी बुझी सारिथिला। मते क्षमा करिदे रानी मु एबे बुझी गली अलसुआ हेले निजर ही क्षति हुए मु तते कथा देउची आउ केबे भी सोई रहिबिनी मु घरर सब दायित्व नेबी। से दिन परठारु राजू काउ पूरापूरी बदली गला आउ परिश्रम करी निज पाई आउ तार परिवार पाई खाइबा जोगाड़ कला। एक घंच जंगल भितरी गोटे माँ चढ़ी तार सातटी छुआंक सह बसारे बसीथिला। हठात से ही समय रे जोर जोरे पवन बहिला पवनर बेग एति थिला जे चढ़ीर बसा भांगी पवन रे उड़ीगला। माँ ए पवन रे आम बसा भांगी गला एपे आमे कोड़ी रहिबा। माँ चिंता करनी पिला माने पाख जंगल रे मो भौणी रुहे आमे समस्ते एबे से जंगल को जिबा किछि दिन पई तुमे माने तुम मौसी घरे रुह मो परे घर तैयारी सारिले तुम मानको नहीं आसिबी। नाई माँ आमे कुआड़ी भी जिबुनी तुम सह एठे रहिबो आ तुमको घर काम रे सहाय्य करिबो। अरे पिला माने तमे माने बे बहुत छोट मते घर बनेबा पई 2 रु 3 दिन समय लागिबो एते दिन तमे माने जदि बाहरी रहिबो तम मानको देह खराब हेइजिबो किछि दिन पई मौसी घरे रहि जाओ।
एमिति माँ चढ़ेटी ता छुआ को बुझे किसी चावल दाना धरी ता भूणी घर को गला संध्या सुधा चढ़े आउ तार छुआ मैंने से पहुंची गले। आरे भौणी कुआडे गलो टिके कबाट खोलो मु आउ मो छुआ मैंने बड़ विपद रे पड़ी तो पाख को आसीचु। माँ चढ़ेटी बहुत समझे कबाट बाड़िला हेले तार भौणी कबाट खोलानी। ठीक सही समय रे आउ एक चढ़े ता पाख को आसी कहिला, आरे चढ़े हटा तो छुआ का सह एठी कौन किछि हेइछि कि? माँ चढ़ेटी ताको सब घटना कहिला। अच्छा एमिति कथा हेले चढ़े तो भौणी तो घरे नहीं से दुई दिन हेलानी बाहर को जाइछि केबे आसीब ता भी कहि कि जाइनी। हाउ चढ़े एबे म जाउछि घरे मोर बहुत काम पड़ीछि। हे भगवान मो भौणी हटत कोड़ गला किछि समय परे राती हि जिव एबे मम छुआ को नै कोठी कि जिबे। माँ चढ़ेटी एपरी चिंता करुवा समय रे हठात वर्षा आरंभ हो गला। वर्षारु रक्षा पाइबापी चढ़े आउ तार छुआ मैंने पाखे एक चढ़े घर को गले आउ तार कबाट बाड़े। किए तमे मैंने आउ मो घर बाहर कौन करुच मो घर कबाट बाड़ कौन पाई? काउ भाई मो पाख जंगल रु आसी तुम घर पाखे मो भौणी घर मो छुआ को नहीं तो घर को आसी से घरे ना एते बर्षार मो छुआ को नहीं कौटी कि जी जापनी से तुम पाख को साई चली आसली बर्षा छाड़ जाए आम को तुम घर आश्रय दे था। चढ़े तू टे बाहर था मो स्त्री को एक पचारिके आसे तापर जाए ते भर को नेबी। आरे शुणुच एते बर्षार किए आम घर को आसी? आम घर पाखे जो चढ़े रुहे ता भौणी आसी ता भौणी एबे घरे नाही बर्षारु रक्षा पाइबापी से आम घर को आसी ता सांगरे तार छोट छुआ भी अछंती। ना ना ताको आमे घरे रखी पारिबानी ता विषय आमे किछि भी जानि नहंती ताको कह से शीघ्र एठारु चली जाऊ। अरे मो कथा तो आगो पूरा सुन से चढ़े पाखे किछि खाइबा पटोली अछि। कौन कहिला से चढ़े पाखे खाइबा पटोली अछि? तुम्हे एठी रुह मु जाउछि से चढ़े पाखु। सुन चढ़े मो मागणे काहा को भी मो घरे रखिनी मो घरे जदि आश्रय नेबा को चाहौछु ता बदलरे तते किछि देबा को पड़िबो। मो पाखरे किछि चावल दाना अछि तुम्हे सेथिरु किछि नै जाओ दया करि आजि राती तुम घरे हम को आश्रय देइथौ। तापरि काउर स्त्री सेमान को रहिबा पई का घर देला आउ ता बदलरे से चढ़े पाखरु अधा चावल दाना नै गला। आज तो मजा आसीगला घर कुआड़े भी न जाए बसि बसि आम को खाइबा मिलगला भल हेला से चढ़े आम घर को साहय पे आसला। हाँ तू ठीक कहिचु मु अदा पके समस्त को पई चा तैयारी करिचि जा तू से चढ़े मानन को भी चा दे देबू। आ हा 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 से चढ़े माने को आम घर को कुणी आसी चंती जे तमे से मानन करे ते चर्चा करूछ तम पाखरे बहुत टंका हे गेला बधे समस्त को एमिति मागणा रे चा देउछ एसब चा मु पी देबी एबे चुपचाप जाओ सोइब। ए काउ माने बहुत लोभी गोटे राती पाई से माने मोर अधा चावल दाना नहीं गले जल्दी सकाळ हे जाऊ वर्षा छाड़ी गले मो छुआ को नहीं मो घर को चली जेबी। राती पाही सकाळ हेला हेले वर्षा छाड़ी नथिला चढ़े बाहर को आसी देखिला बाहर वर्षा पड़ुची से बहुत चिंतार पड़ी गला। ठीक सही समय रे काउर स्त्री सेठा को आसिला। आरे चढ़े आज भी वर्षा छाड़ी जदि आज मो घरे रहा चाहूँचु तो पाखरे जेती की चावल दाना अच्छी मते दे दे। हेले काओ भौणी मो पाखरे मात्र अल्प किछि चावल दाना अच्छे से सब जदि मो तमको दे देबी मु आउ मो छुआ माने कौन खाइबो आम उपरे टिके दया कर। से कथा मु जानिनी मो घरे जदि रहा चाहूँचु मते तोर सब चावल दाना दे नहले मो घर बाहरी जा। बाध्य ही चढ़े काऊर स्त्री को ता पाखरे थिबा सब चावल दाना दे देला काऊ से सबु नै घर को चली गला। से दिन राती बीती गला तथापि वर्षा छाड़ी नथिला सकाळ हेबा परे चढ़े कबाट खोली बाहर को आसी देखिला वर्षा छाड़िनी। सकाळ सकाळ काऊर स्त्री भी सेठी पहुँची गला। आरे चढ़े मते देबा पई तो पाखरे तो किछि भी नाही एबे तो छुआ को नै शीघ्र मो घर बाहर। काओ भौणी एमिति कहंतुनी तुम्हें मोर सब चावल दाना नहीं गल एबे मते घर बाहर करनी
ଏତେ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଲିଛି ଯେ ତତେ ମୋ ଘରେ ମାଗଣାରେ ରହିବାକୁ ଦେବି? ମୋ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ ତତେ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଉ ଚଢ଼େଇର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା, ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବାକୁ ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ମା, ଏ ବର୍ଷା ପାଣି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଚାଲ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ତାର ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ସେଇ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ତାର ନଜର ଝରକା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଝରକାରେ ଦେଖିଲା ଘର ଭିତରେ ଏକ ବଡ଼ ଚିଲ ଶୋଇଛି। ଚିଲକୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଚିଲର ଘର, ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ଘରର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲିନି, ଚିଲ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମାରିଦେବ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳାଏ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିଲା। ଅନେକ ସମୟ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଯୋଗୁଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହାକୁ ବି ଜାଣିନି, କାହା ଘରକୁ ଯିବି ମୁଁ? ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଉ। ଏମିତି କହି କହି ମା ଚଢ଼େଇଟି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ବହୁ ସମୟରୁ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆମାନେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲେ। ଏସବୁ ଘଟଣା ଦୂରରୁ ଏକ ଚଢ଼େଇ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୋ ନା ମିନୁ, ମୁଁ ବହୁ ସମୟରୁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି, ତୁମେ ଏଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଛୁଆଙ୍କ ସହ କାହିଁକି ଭିଜୁଛ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ତ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖିନି, ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛ? ତୁମେ କ'ଣ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛ? ମା ଚଢ଼େଇଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଆସ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ମୋ ଘରକୁ ଆସ। ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ହେବା ପାଇଁ ଏକ କମ୍ବଳ ଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଏ କମ୍ବଳ ନିଅ, ତୁମ ଛୁଆଙ୍କୁ ପୋଛି ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ଚା ଆଣିଦେଉଛି। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୋ ଛୁଆମାନେ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି, ତମ ପାଖରେ କିଛି ଔଷଧ ଥିଲେ ମୋତେ ଦେଇଥାଅ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକି ଆଣିଲା। ଡାକ୍ତର ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରି ଔଷଧ ଦେଲା। ମୁଁ କିଛି ଔଷଧ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଗରମ ରଖିବ, ସେମାନେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ମିନୁ ଭଉଣୀ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଚିହ୍ନା ହେଲେ ବି ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ କରିପାରିଲି। ଏହିପରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼େଇର ସାତ ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। ମିନୁ ଭଉଣୀ, ଯିବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ହେଲେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ମୋର ଯେଉଁ ଉପକାର କଲ ମୁଁ ତା କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ତୁମ ଘର ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏବେ ତୁମେ କେଉଁଠି ରହିବ? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଘର ବନେଇବି, ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ତମ ଘରେ ରଖିଥାଅ, ଘର ତିଆରି ସରିଲେ ମୁଁ ଆସି ମୋ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଆମ ଘର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ପାଇଁ ସେଠି ଗୋଟେ ଘର ତିଆରି କରି ରହିପାରିବ। ହଁ ମା, ଆଣ୍ଟି ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁବେଳେ ପବନ ବର୍ଷା ହୁଏ, ସେଥିରେ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମା, ତୁମେ ବି ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପରି କାଠରେ ଏକ ଘର ତିଆରି କର ନା, ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆମ ଘର ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବନି। ହେଲେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କାଠରେ ଘର ତିଆରି କରି ଜାଣିନି। ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ କାଠରେ ଘର ତିଆରି କରି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବି ଏକ ଘର ତିଆରି କରିଦେବି, ତମେ କିଛି ମଜବୁତ କାଠ ଜଙ୍ଗଲରୁ ନେଇଆସ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ମଜବୁତ କାଠ ଆଣିଲା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେ କାଠରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କରିଦେଲା। ମିନୁ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ସତରେ ବହୁତ ଦୟାଳୁ, ତୁମକୁ ଯେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ୍ ପଡ଼ିବ, ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ମଜବୁତ ଘର ପାଇଲୁ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ତାର ସାତ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କାଠ ଘରେ ରହିଲା। ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ଘରର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ।